वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एच डी ग्रामर स्कूल क्लास नर्सरी सब्जेक्ट मैथ लेक्चर नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 का क्लास वर्क है शेप्स नेम। आज हम इस लेक्चर में शेप्स नेम पढ़ेंगे। कौन सा शेप्स नेम? स्क्वायर। ठीक है, आज का हम शेप पढ़ेंगे स्क्वायर। रिसेंटली लेक्चर में आप लोगों ने सर्किल की डेफिनेशन और इसका पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर की डेफिनेशन लिखना हम स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ रीड करिएगा। वन फिंगर का गैप देंगे, कॉर्नर्स भी इक्वल है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, क्लास वर्क में हमारा शेप्स नेम आ गया। अ स्क्वायर हैज़ फोर इक्वल साइड्स एंड फोर इक्वल कॉर्नर्स। अब हम आते हैं बुक पे। तो क्लास, हमने अपने क्लास वर्क कर लिया है, अब हम आएंगे बुक की क्लास वर्क पे। पेज नंबर आप लोगों ने 41 ओपन कर लेना है और आप लोगों को ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, राइट व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को नीचे एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा कॉलम, इसको हमें क्लास को करना है। कैसे देखें, टू के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है? थ्री, हमने यहाँ पे थ्री लिख लेना है। क्वेश्चन में भी हमें ये बता रहे हैं कि क्या आता है इस नंबर के बाद। ठीक है, तो हमने इसी तरह करना है काम। टू के बाद थ्री आता है, फाइव के बाद क्या आता है क्लास? सिक्स लिखेंगे। फोर के बाद क्या आता है? फाइव, हमने फाइव लिखेंगे।
ज़ीरो के बाद क्या आता है? वन, हम यहाँ पे वन लिखेंगे। फिर लास्ट हमारा एट के बाद क्या आता है? नाइन, तो हम यहाँ पे नाइन लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोग का क्लास वर्क है, क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारा। दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं। टू के बाद थ्री आता है, फाइव के बाद सिक्स आता है, फोर के बाद फाइव आता है, ज़ीरो के बाद वन आता है और एट के बाद नाइन आता है। ठीक है, इसी तरह अब हम नीचे आएंगे बुक के पेज नंबर के। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है राइट व्हाट कम्स बिफोर, मतलब कि जो हमारे पास ब्लैंक्स जो बनी हुई है उसके नंबर से पहले क्या आता है। तो थ्री से पहले क्या आता है क्लास? थ्री से पहले क्या आता है? टू। थ्री से पहले टू आता है। टेन के टेन से पहले क्या आता है? टेन से पहले नाइन आता है। सेवन से पहले क्या आता है? सिक्स। और फाइव से पहले फोर। और लास्ट हमारा वन से पहले क्या आता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था? ज़ीरो। ठीक है, टू थ्री नाइन टेन सिक्स सेवन फोर फाइव ज़ीरो वन। थ्री से पहले टू आता है, टेन से पहले नाइन आता है, सेवन से पहले सिक्स आता है, फाइव से पहले फोर आता है और वन से पहले ज़ीरो आता है। अब आप इसको दोबारा देख लें अच्छे से। तो क्लास की देखिए हमारा आ गया है। ठीक है, पूरी तरीके से देख लीजिए, ये आप लोग का क्लास वर्क है, बुक का पेज नंबर 41। आप लोग को इसे अच्छे से काम करना है। आज से हमारा क्लास वर्क हो गया है, अब हम आएंगे होमवर्क पे। सो क्लास, आप लोगों का होमवर्क है शेप नेम, जो हम लोगों ने आज क्लास वर्क में किया था। स्क्वायर की आप लोगों ने डेफिनेशन क्लास स्कूल कॉपी में बिल्कुल फेयरली उतारनी है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। स्क्वायर की डेफिनेशन दोबारा से हम स्क्वायर की डेफिनेशन रीड करेंगे। आर स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स एंड फोर इक्वल कॉर्नर्स। ठीक है, और ये हमारा स्क्वायर है। शेप नेम हमारा आज का होमवर्क हो गया। फिर अब हम बुक पे आते हैं। सो क्लास, बुक का हम लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है 40। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग को ऊपर क्वेश्चन नजर आएगा ट्रेस एंड राइट, हमने इसको ट्रेस करना है और लिखना है। हमने आज का पेज नंबर 40 का होमवर्क का ट्रेस करना है आप लोगों को। ये कॉलम है आप लोगों को, इसको ट्रेस करना है। ठीक है, और इस कॉलम में आप लोगों ने इस बॉल्स को काउंट करके लिखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे हमने ट्रेस करना है, लिखना है। वन को आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेस करना है, टू को भी यहाँ पे ट्रेस करना है। आप लोगों को यहाँ पे ट्रेस लिखा हुआ है, उस आप लोगों को इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। ठीक है, थ्री को भी ट्रेस करना है, फोर को भी ट्रेस करना है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन को भी ट्रेस करना है इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बॉल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन बॉल्स को आप लोगों ने काउंट करके इस कॉलम में लिखना है। जैसे कि ये कितनी बॉल है? वन है, हमने यहाँ पे वन लिखा। इसी तरह ये कितनी बॉल्स हैं? टू है, यहाँ पे हमने टू लिखा। इसी तरह हमने सारी बॉल्स को काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यह आप लोग का होमवर्क है पेज नंबर 40 का। फिर हम पेज नंबर 41 पे आएंगे। पेज नंबर 41 जो हम लोगों ने आज क्लास वर्क किया था वही हमारा होमवर्क है। इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है, लिखना है, स्कूल की बुक में ही मतलब लिखना है आप लोगों को। यह आप लोगों का होमवर्क है, मैं समझा दिया था आप लोगों को क्लास वर्क का कि कैसे लिखना है। होमवर्क आ गया पेज नंबर 41। फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे। फिर लास्ट हमारा पेज नंबर 42 है, इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करवाना है आप लोगों को। कैसे करवाना है देखें, आप लोगों को यहाँ पे कुछ ट्रीज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एक टॉल ट्री है और ये शॉर्ट ट्री है। इसका ये होमवर्क, इस पे होमवर्क का मतलब है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टी ए डबल एल टॉल, टॉल मतलब के बड़ा। ठीक है, आप लोगों को ट्री बड़ा नज़र आ रहा होगा, टॉल मतलब के बड़ा। और एस एच ओ आर टी शॉर्ट, शॉर्ट मतलब के छोटा। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ठीक है, ये टी ए डबल एल टॉल और एस एच ओ आर टी शॉर्ट, टॉल मतलब के लंबा बड़ा और एस एच ओ आर टी शॉर्ट मतलब के छोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ये पढ़ने से। ठीक है, आप होमवर्क आपका मिल गया है बुक का पेज नंबर 40, 41 एंड 42।
सो क्लास, आज के लेक्चर का हमारा क्लास वर्क और होमवर्क हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट है हमारा ओरल। ओरल में आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल याद करके आनी है। अच्छे से आप लोग याद करिएगा, ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ठीक है? ये आप लोगों की डेफिनेशन है, ओरल है, इसको अच्छे से याद करिएगा। नीचे आप लोगों को शेप भी बना के दिखा दी है, ठीक है? अच्छे से याद करिएगा। इसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं, आर ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।